इस मंच के जरिए मोदी जी से पूछना चाहता हूं, रफेल के अंदर 600 करोड़ का 1600 करोड़ में जहाज खरीदा आपने, कोई वो चाचा तो लगता नहीं था रफेल वाला, कुछ तो पैसा लिया होगा कि नहीं लिया होगा, या फ्री में दे दिया 1000 करोड़ रुपए हर जहाज पे, कुछ तो पैसे लिए होंगे। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं वो पैसे किसके अकाउंट में गए, आपके अकाउंट में गए, अमित शाह के अकाउंट में गए, बीजेपी के अकाउंट में गए, किसके अकाउंट में वो रिश्वत का पैसा गया जो रफेल का 36 जहाज थे, हर जहाज में 1000 करोड़ रुपए, 36 करोड़ रुपए का फायदा जब आपने उस कंपनी को दिया तो उन्होंने 10% 20% 30% कुछ तो दिया होगा, कितना दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, वो पैसा किस अकाउंट में गया प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं दोस्तों। आज से 3 साल पहले इस देश के अंदर अचानक एक दिन शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया नोटबंदी का कि आज से इस देश के अंदर नोटबंदी होएगी, 500-500 और 1000-1000 के नोट आज के बाद नहीं चलेंगे। सारे अर्थशास्त्री, सारे इस देश के एक्सपर्ट सब लोग कह रहे हैं कि इससे बुरा डिसीशन नहीं हो सकता था। एक चलती फिरती इकोनॉमी, चलते फिरता देश, हजारों हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, हजारों उद्योग धंधे बंद हो गए। दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पिछली बार आपने एक 12वीं पास आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, इस बार 12वीं पास को प्रधानमंत्री मत बनाना, एक किसी पढ़े लिखे आदमी को ढूंढ लेना, प्रधानमंत्री के पोजीशन के ऊपर एक पढ़ा लिखा आदमी हो तो ज्यादा अच्छा है। 12वीं पास आदमी को समझ नहीं होती कि वो किस चीज पे साइन कर रहा है और किस चीज पे नहीं कर रहा। दूसरी इनके साथ समस्या, ये किसी से कंसल्ट ही नहीं करते, ये केवल और केवल अपनी चलाते हैं। तो आज मैं देश के नागरिकों से यह भी अपील करना चाहता हूं, सोच समझ के वोट देना। आपके पेट पे लात मारी है, आपके बच्चों के पेट पे लात मारी है, आपके मुंह से निवाला छीना है इस आदमी ने, इस बार पढ़े लिखे आदमी को वोट देना, 12वीं पास को वोट मत देना। दोस्तों पिछले 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जिस तरह से मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस देश का भाईचारा खराब किया है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया है, जाति और धर्म के नाम पे जिस तरह से इन दोनों ने इस देश के अंदर हर आदमी के अंदर जहर भरने की कोशिश की है, ये देश नहीं बचेगा दोस्तों। आप सब लोगों से अपील है कि इस बार जब वोट डालने के लिए जाओ, हो सकता है आप में से कई सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से हो, लेकिन इस बार अपनी पार्टी को सामने मत रखना, इस बार अपने देश को सामने रखना दोस्तों।